तो क्या आप भी मेरी तरह माइनक्राफ्ट को मोबाइल में खेलते हो? और जब भी आपको पर्सन चेंज करना पड़ता है तो आपको सेटिंग में जाकर इस पर्सन को चेंज करना पड़ता है। लेकिन अब से नहीं, क्योंकि आज मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार ट्रिक, जिससे आपको बार बार पर्सन में जाकर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको बस एक क्लिक से पर्सन आपका चेंज हो जाएगा इजीली। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन, अगर आप उसको करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर देनी है, ये वाली। तो इसके बाद जैसे आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और सब हम आपको ऐड कर देना। और ये आपका अवेलेबल है तो अवेलेबल ओपन ही रहने देना है। आपको स्टार्ट रिकॉर्ड ट्रिगर पर क्लिक करना है, और आपको वो आवाज़ का ऊपर वाला बटन दबा देना है। इसको कर देने के बाद आपको जाना है एक्शन में, ऐड एक्शन, इनपुट की, और आपको जाना है F5 वाले की में। F5 की किधर है? F5 मिल जा, ये रही F5। आपको की पे क्लिक कर देना है और ऐड कर देना है। बस जैसे ही आप बैक करोगे तो आपके F5 की ऐड हो चुकी है। जैसे ही आप इसको एक्टिव कर दोगे, बस आपको एक बार देख लेना है अवेलेबल है ना ये वाला चीज़। इसको हमेशा ओपन ही धरना है, तभी हो पाएगा। तभी अगर आपको सेव कर देना है बस। और जब भी आप अपना माइनक्राफ्ट खोलोगे तब कुछ ये हो। तो गाइस बहुत ही कम झंझट में आप इजली, जैसे आप वॉल्यूम का प्लस वाला बटन दबाओगे जिससे वॉल्यूम बढ़ती है, तो आप देख सकते हो आपका जो है पर्सन हम चेंज होता रहेगा। आप इसको चलते वक्त ये कर सकते हो। अगर आप इसको होल्ड करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, होल्ड हाथ धरना। तो गाइस ये थी कुछ ट्रिक्स जिससे आप इजली थर्ड पर्सन को आप चेंज कर सकते हो। इजली अपने फर्स्ट पर्सन में आराम से आप पर्सन चेंज कर सकते हो। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।